तुम्हारी नोज कितनी गंदी है। हाँ हेलो फ्रेंड, अस्सलामुअलैकुम। ये है शहरील, हमारे फैमिली का न्यू मेंबर जिसे मैंने आप लोग से मिलाया नहीं था, तो सोचा आज मिला देती हूँ। एक्चुअली इसे हमने अडॉप्ट किया है, मेरी बहन ने इसे इलाहाबाद से भेजा है। ये है फीमेल केयर। एक्चुअली जिनकी ओनर थी ना, वो शायद बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से इसकी केयर नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से उनको किसी को देना था, तो हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। जब आई थी तो इसके हेयर एंड हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। जब आई उसके दूसरे दिन ही हमने इसे वेट के पास ले गए और इसके जो इतने ऊपर के खराब बाल थे ना वो निकलवा दिए, पर सारे बाल तो नहीं निकल पाए हैं, तो देखते हैं इसका हम निकाल लेंगे या फिर वेट के पास ही ले जाएंगे। और बस फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा नॉटी है, हुरैन और हुरैरा से भी ज्यादा। देखो मैं पापा के रूम पे आई तो इन लोग यहाँ पे आकर शैतानी करने लगे। ये देखो, ये यहाँ घुसी है, ये देखो। हुरैन और शेरिल मिल कितनी ज्यादा बदतमीजी करते हैं ना, इतनी शैतानी करते हैं, मानते ही नहीं है भैया। बस हुरैन बस देखो आंटी को परेशान कर रहे दोनों लोग। बार बार आंटी जब पोछा लगाती हैं तो इन लोग आ जाते हैं, ये देखो। और यहाँ पे धुल चुका है मटन और ये चिकन। चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ और मटन को रख देती हूँ। अदरक पीस लेती हूँ, अदरक है पिसा हुआ पर कम है, पीस देती हूँ। आंटी रख देंगी फिर इसको, है ना आंटी? तो फ्रेंड्स, अब मैं लग चुकी हूँ अपने कामों पे। हमारे पप्पा जो हज करने गए थे ना, वो माशाल्लाह से हज करके वापस आ चुके हैं। एंड जब वो हज करके वापस आए तो हम उनसे मिल आए थे दूसरे दिन ही जाकर, और अब कुछ दिन बाद हमने उनकी अपने घर पे दावत रखी है। सो बस मैं वही सब कामों में लगी हुई हूँ। बाहर रखी थी इसको मैं कि बाहर रहेगी ये। मैं जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलने के लिए अंदर आई, मुझसे पहले ये आ गई और देखो मेरे बिस्तर में चढ़ गई। शेरिन उतरो मेरे बिस्तर से। सो फ्रेंड, मेरी हालत देख सकते हैं आप लोग, इतनी गर्मी है ना, बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है। दो दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी और आज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और थोड़ी थोड़ी धूप हो रही थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा उमस है। खैर, जो जो काम करने थे अभी के, साफ़ सफाई वगैरह जो कि रोज़ का काम रहता है, एंड चिकन को मैरिनेट, फैन भी चल रहा ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी वैसी लग रही होगी। तो चिकन भी मैरिनेट करके रख दी हूँ मैं, अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट करूँगी, शॉल लूँगी और उसके बाद बाकी के काम करूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये इन लोगों को खाना दे दिया मैंने, इन लोग खाना खा रहे हैं। हुरैरा सो ही रही है, नहीं आ रही खाना खाने, उसको नींद ज़्यादा आ रही है। आ गई भी आ गई, आओ खाओ अपना खाना खाओ। इधर है, इधर है, इधर है, उधर क्यों लग गई, इधर खाओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मौसम कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, ऐसे ही चल रहा है आज। मतलब कल, परसों और कल तो बहुत बारिश हुई थी, रुकी ही नहीं, और आज मौसम ऐसा हो रहा है, कभी बारिश कभी पानी, अरे सॉरी, कभी धूप कभी बारिश। और इन लोगों को यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, बहुत शैतानी कर रहे हैं दोनों, ये और हुरैन। बाकी हुरैरा यहाँ बैठी है आराम से, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे ज़्यादा शैतानी करती है। और हुरैन, हुरैन किधर है, कहीं बैठा होगा अंदर ही। खाती हूँ खोल के, निकलने लगता है ना ये। चल अंदर अंदर। तो फ्रेंड, मैं जा रही थी नहाने पर पापा आ गए, बोल रहे हैं हमारे लिए खाना बनाओ क्योंकि भूख लगी है, पर पेट थोड़ा भारी भारी सा है, कुछ लाइट सा बना दो। तो कह रहे हैं खिचड़ी बनाओ, पर पतली वाली बनाओ। तो पहले बना देते हैं खिचड़ी, उसके बाद नहाएंगे और उसके बाद बाकी ये काम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बाहर दिखाई थी ना बारिश वाला मौसम लग रहा था, पर अभी देखें दो मिनट में ही कितनी तेज़ धूप आ गई। सो फ्रेंड, ये देखिए बन चुकी है पापा की पतली खिचड़ी, बस अब उनको दे देते हैं। सो फ्रेंड, शाम के 6 बजने लगे हैं और 5:40 पे मैं किचन आ गई थी, एंड आंटी भी आज जल्दी आ गई क्योंकि मैं बोली थी जल्दी आ जाएगा, वैसे वो 7 बजे आती हैं, क्योंकि आज मैं सोची जल्दी जल्दी काम कर लूँ ना उन लोग के आने के पहले, तो खाना कम से कम बन ही जाए, इंसान फ्री रहता है। तो आंटी को भी आज मैंने जल्दी बुला लिया, चच्ची को भी बुलाया है, वो आपकी कुछ कुछ मेरी हेल्प करवाएंगी। और अभी मैं बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ चिकन, और आ गई चच्ची, और यहाँ पर आंटी काम कर रही हैं, अपना प्याज वाज छील रही हैं। आ गई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ देखो, सबको काम में लगा दिया है मैंने, और यहाँ पे
प्याज फ्राई हो रही है चिकन की भी। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ पापा के लिए। तो ये बन चुकी है चाय, पापा को दे देते हैं। यहाँ पर चिकन भी मैंने डाल दिया है। ये चाय क्या लीजिए लीजिए, सबसे पहले तो आप पीजिए चाय। आप मुँह बंद करिए, ना कुछ बोलते रहते हैं बैठ के। अरे भैया गैस जल रही, कुकर दे दो। शाम का टाइम है फ्रेंड, सात नहीं नहीं कितना बज रहा है, हाँ सात बजने वाला है। इन लोग को निकाल दिया मैंने। शेरिल तो बेचारी होश में ही नहीं आ रही है। सदमे में बैठे हैं बेचारे लोग। कहाँ जा रहे, चलो बाहर बाहर चलो। सामान ले आई इसमें जी आई भाई, भाई ला के दिया है ये सब सामान मंगाई हुआ। ये काजू बादाम सब नाश्ते का सामान है। और यहाँ पे एक मिनट चाची, ये चिकन कंप्लीट हो गया है, इसको ढक देते हैं ताकि ये पक जाए। गैस की फ्लेम स्लो कर देते हैं। एंड यहाँ मटन के लिए भी प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ, मटन भी साथ ही साथ कंप्लीट करते जा रही हूँ। ये देखो आंटी यहाँ पे मछली धुल रही हैं, मछली भी बनना है। और उरैन को देखो, आंटी का पीछा नहीं छोड़ रहा है और खा भी रहा है साथ में। सो फ्रेंड, चिकन तो कंप्लीट हो गया है, मैंने बंद कर दिया है गैस। ये देखिए बन चुका है। यहाँ पर मटन भी वो हो गया है, बस ऐसे मसाला डाल के इसे प्रेशर लगा दूँगी। एंड मछली आंटी धुल रही हैं, मछली नीचे बनेगी, क्योंकि अगर मछली किचन में बनेगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ काम, तो मछली मामू बनाएंगे नीचे। गर्मी लग गई पर चलाते नहीं बन रहा मुझे। वो देखो लुटेरों को कैसा लूट लूट के मछली खा रहा है ये। मटन पकने के लिए रख दिया है, मटन को पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, तो रख कर आ गई हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा सा हवा ले रही हूँ ऐसे कि बड़ा अच्छा लगता है रूम पे आके। एंड वहाँ पर चची अपना काम कर रही है, मतलब पुलाव मैं ही बनाऊँगी, पर पुलाव की तैयारी और रोटी बनाना है उनको ही, तो वो सब आंटी और चची मिलकर कर रही हैं। एंड यहाँ पर मैंने कुछ कुछ सामान मंगाया है पुप्पा को देने के लिए, तो वह मैं आप लोग को दिखा देती हूँ बैक कैम से। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुर्ते पैजामे कपड़ा है, ये पर्पल कुर्ता है, वाइट पैजामा है। तो ये हो गया कुर्ते पैजामे कपड़ा। एक मंगाया है मैंने ये गमछा, और ये है टोपी, और ये है इतर। तो ये सारी चीज़ें हम पुप्पा को दे देंगे, क्योंकि वो हज करके आए हैं, तो हज करके जो लोग आते हैं उनको तो दिया ही जाता है। सो ये सारी चीज़ें मैंने उनको देने के लिए ही मंगाई है। इसको अभी ऐसे साइड करके रख देते हैं, इसको किसी और थैले में डालेंगे, देखते हैं। एक वो गिफ्ट वाला मेरे पास थैला है, उसमें डाल के दे देंगे। अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको निकाल लें। इसमें निकाल लेते हैं थोड़ा सा स्नैक्स। लाइट चली गई फ्रेंड, कभी लाइट नहीं जाती, लेकिन आज गेस्ट आने वाले हैं ना, तो लाइट ज़रूर चली गई। इन्वर्टर से ये बल्ब जल रहा है। और यहाँ पे स्नैक्स निकाल दी हूँ मैं। सो फ्रेंड ये सब मैंने इसमें रख दिया है, इसको रख देते हैं अलग, क्योंकि चच्ची को बनाना है रोटी। उसको भी चिकन को भी कंप्लीट, वो कंप्लीट है, धनिया पत्ती। सो फ्रेंड मटन भी कंप्लीट हो गए, यहाँ पे चच्ची बनाने लगी है रोटी। अब बस इसका लगा देते हैं ढक्कन। अल्लाह का शुक्र है कि कोई रोटी ऐसी नहीं जो पूरी ना हो, सब रोटी फूल रही हैं। लगवा दिया रहा ना। यहाँ पर रोटी चच्ची बना रही है, और कह रही है एक रोटी ऐसी नहीं हुई कि जो नहीं फूली है, सारी रोटी ऐसी फूल रही हैं। और यहाँ पे पुलाव भी मतलब बनकर मतलब बघार दिया है मैंने, चावल पानी भी डाल दिया, और इसको बस दम में लगा दिया है। मतलब दम में क्या, अधिक तो खोलेगा उसके बाद दम में लगेगा ढाबा। यहाँ पर रायता भी मैंने बना लिया है, अब इसको रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। आ चुके हैं सब लोग। नहीं खा ली मीरब। ये देखो सब लोग एक लाइन से आ रहे हैं पुप्पा से मिलने, मीरब से मिलने। अभी तक सब सो रहे थे। यस,
ये सारी चीजें मैंने निकाल ली है, अब इसको रख देते हैं वहाँ पे ले जाके खीर ला नीचे से। अच्छा नीचे मामू खीर बनाए हैं और मछली बनाए हैं, ये नई चीज मुझे पता चली कि खीर भी बननी है। फिर से जाएंगी? हाँ। मिठाई उन लोग लाए हैं तो ये भी रख देते हैं, क्योंकि जो लाता है उसको थोड़ा सा खिलाना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। यहाँ पर सब बैठे हैं, स्नैक्स चल रहे हैं, यहाँ पर सब खा लेंगे तो फिर खाना लगाएंगे। कितने देर में खाओगे खाना? 9 बज गया, कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, खीर भी मैंने इसमें निकाल दी, इसको रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि बिल्कुल गर्म है। ये आ गया भाई हमारा, बड़ी जल्दी आ गया भाई तू, सब मेहमान आके बैठे हैं। ये देखो इन लोग यहाँ टहल रहे हैं, शहरल दीवार में टहल रही थी इसलिए मैं इन लोग को बंद कर देती हूँ। देखो पूरा गीला है, इन लोग गीला करके पूरे घर के अंदर जाएंगे। अरे उतरो शेरिल। सो फ्रेंड ये बैग मिल चुका है मुझे गिफ्ट वाला, इसमें डलवा देते हैं जो जो हमको देना है। भाई डाल रहा है, अरे पूरा गुंजल के नहीं। हाँ, तो सीधा होएगा डालने के बाद में। गमछा इधर, बस जब जाने लगेंगे तब दे देंगे। हाँ मीरा एक्वेरियम देख रही है, भाई यहाँ पे दस्तरखान लगा रहा है, यहीं पे हम खाना लगा देंगे। अरे पूरा बिछा देना लंबा, नीचे नहीं चला जाएगा। नहीं थोड़ा सा फोल्ड कर देना बस। ले आई ये देखिए फ्रेंड्स, मामू फिश पूरा फ्राई करके भेज दिए हैं, ढक दीजिए, ठंडी नहीं हो जाएगी, अभी तो खाने में टाइम है। माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे ना फिर। फ्रेंड सारे काम हो चुके हैं, बस यहाँ पे सैलेड वाला काम बचा है, तो सैलेड चच्ची बना रही हैं। ये सब आंटी छील धो के चली गई हैं, अब बस इसको कट करना है। मिक्स वाला बनाइएगा ना इसको काट। हाँ मीरा को बड़ा मजा आ रहा है, बहुत खेल रही है पूरे घर में। एंड सैलेड में चच्ची वो कह रही हूँ कि जो कंचूमड़ वाला नहीं बनता है मिक्स वाला, वो वाला बनाइएगा। गोल गोल वाला ना कोई खाता ही नहीं, रखा रह जाता है ना, ये मिक्स वाला कम से कम खा लिया जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा सजावट के चक्कर में ना पड़ के ऐसा काम करो जो सब लोग खा लें। तो यहाँ पर चच्ची बना रही हूँ सैलेड। एक काम करिए ना, पहले किसी बर्तन में बना लीजिए, उसको पूरा मिक्स कर लीजिए, है ना, नमक वमक डाल के फिर प्लेट में निकालिएगा, है ना। यहाँ पे मेरा मोबाइल चलाने में लगी हुई है, चलाओ चलाओ। यहाँ पर मैं एल्बम दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है? सो फ्रेंड यहाँ पे सैलेड भी कंप्लीट कर दिया मैंने, और ये सब खाना गरम कर रही हूँ, काफ़ी लेट कर दिए इन लोग खाने में, तो थोड़ा गरम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स इन लोगों ने 10:15 बजा दिया खाना खाने में, तो थोड़ा थोड़ा खाना ठंडा हो गया है, तो सारी चीज़ें मैं गरम कर रही हूँ। चावल तो नहीं गरम हो पाएगा, बट मटन और चिकन गरम कर लेती हूँ। सो फ्रेंड मैंने निकाल दिया, ये चिकन है, उसमें मटन है, ये मटन, ये पुलाव और ये फिश, ये सारी चीज़ें आप ले चलो आराम से, ऐसे पकड़ो मत, पत गिरे मत, पगलेट हो गया पकड़ने के लिए। यहाँ पे सारे रोटी है, इसमें सैलेड है, लगवाते हैं अब खाना। कर मैं आ गई हूँ, सब खा रहे हैं, आ गई अपने रूम पे बैठी हूँ, उन लोग खा वाले तब देखूँगी और बाकी की चीज़ें। तो खाना लगा दिया है मैंने, और थोड़ा सा मैं जल गई, गरम गरम गैस की जो बर्नर होती है ना वो छू ली। मेरा भाई बोलता पागल हो गई हो क्या, बोली बस लास्ट टाइम पे जब ऐसी चीज़ें रहती हैं ना कि कहीं जाना है बिल्कुल निकलने के टाइम, और जब कोई आ रहा है खाना लगाने के टाइम, पता नहीं कि इतना ज़्यादा वो हो जाता है हड़बड़ाहट, कि कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। मैं बहुत तेज़ से जली ऊपर उंगली में। मीरा भी यहाँ बैठ के पता नहीं क्या क्या बोले पड़ी है। ये फिरनी मैंने निकाल ली है फ्रिज से, ठंडी हो गई है, और ये मिठाई भी मैंने निकाल लिया, खाने के बाद मीठा रख देंगे। एंड फ्रेंड्स ये देखिए आज मैंने ये निकाला है सॉफ्ट एंड मिश्री रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फ्रेंड इस चीज़ का शौक इस बहुत दिन से ये ट्रे ला कर रखी थी, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे तो बहुत पहले ये ट्रे में ला कर रखी थी, पर मैं भूल ही जाती थी। आज मैं इसको याद से निकाली हूँ, ले चलते हैं इसको दे देते हैं। तारीफ करो तुम मेरे खाने की। बहुत टेस्ट था।
हाँ बड़े पाप, बताइए कैसा था खाना? इस बार झूठ झूठ बोल रहा हाँ? नमक तेल और काम है, मजाक मजाक, एक नंबर बोल रहा हूँ, एक नंबर, सब चीज़ सब चीज़ सब चीज़ की तारीफ करो। तुम बताओ, बहुत अच्छा बना था। ये कह रहा है कि पानी भी अच्छा है, पानी भी ठंडा था। अरे मीरा भी यहाँ पे खड़ो के खेल रही है इन लोग के साथ। तो फ्रेंड्स सब ने खाना वाना खा लिया और सबको अच्छा भी लगा सब चीज़। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं उठाकर रख दी हूँ, अभी तो सारी चीज़ें मैं ढककर रख देती हूँ, इनको समेटने वाला काम मैं सबके जाने के बाद करूँगी। और फिर इसके बाद सारे लोग बैठकर आराम से पापा के रूम पर एल्बम देख रहे हैं, भाई के बाद पक्की रस्म वाला। पापा को दे देते हैं क्योंकि अब जाने का टाइम हो रहा है, तो अब दे देते हैं इसको। ये आपके लिए आपका गिफ्ट कपड़ा है, कपड़ा सिलवा के पहनिएगा ठीक है, और फिर फोटो खिंचवा खींच के भेजिएगा। पहन के आएंगे ना, क्यों निकाल रहे पापा? पापा नहीं देखे, पापा देख रहे, देखो नहीं देखे, देख ले तुम वो सब रख तो दो। पापा कह रहे रख दो, तुम मत छुओ, खराब हो जाएगा। हाँ। हाँ। बिगाड़ दी आप सब, मैं इतना अच्छा सेट करके दी थी। हाँ लुंगी है, लुंगी देंगे हम लोग, लुंगी दिया वो पहन, कपड़ा है मीरा उसको बुला, ये देखो उठा लो उसको। मीरब को इन लोग के साथ खेलना भी है और डरना भी है। मीरब के लिए चॉकलेट निकाल ली है, अब दे देते हैं मीरब को। मीरब ये लो चॉकलेट, ये लो, देख कितनी अली ले रही है, लो कितनी अली हाथ बढ़ा रही है, लो लो, अच्छा लो लो, ले लो आप ले लो, गुस्सा आ जाएगी तो फेंक पके चले। सब जाने लगे। मीरा को दे दी मैंने चॉकलेट, मीरा अब जाने लगी है। बाय कर लो, बाय बाय कर लो, बाय कर लो, बाय फ्रेंड, उधर कर उधर कैमरे में देख के समझती है वो, देखो मम्मा। अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, आना फिर मीरब, बाय मीरब, बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय, जय इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। आना होगा ना? हाँ हाँ इंशाल्लाह, मैं मंडे को आपको, ठीक है, मैं आऊँगा ही ना। हाँ अल्लाह हाफिज। तो इन लोगों को भी मैंने खाना दे दिया है, इन दोनों खा रहे हैं पर ये नहीं खा रहा है, इसका पेट भरा है लग रहा। फ्रेंड्स सब लोग जा चुके हैं अभी किचन, जो इतना फैला बड़ा है ना, इसको समेटना है, ये सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, कोई भी काम बड़ा नहीं लगता, पर ये लास्ट में समेटना सबसे बड़ा काम लगता है। खैर कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी फटाफट। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये सारा कुछ समेट दिया है। तो बस फ्रेंड सारे काम हो चुके हैं, मैंने सारा कुछ समेट दिया है, बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ था तो सारा कुछ मैंने कर लिया एंड सारा कुछ अच्छे से हो गया। और बस ये टॉवल रखे रहती हूँ मैं, काम करती रहती, पसीना बहुत आता है ना, पोंछती जाती हूँ और काम करती जाती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चले फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से बहुत जल्द न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।